फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अकॉर नॉलेज अबाउट ऑफ एक्सक्रिटिव सिस्टम सो लेट्स एक्सक्रूटिव सिस्टम फर्स्ट द यूरिरी सिस्टम इज वन ऑफ द एक्सक्रूटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी जो हमारे बॉडी का एक्सक्रूटिव सिस्टम होता है वो वन ऑफ द यूरनरी सिस्टम होता है मीन्स जो एक्सक्रिटिव सिस्टम है वो एक यूरनरी सिस्टम होता है एक्सकेरी सिस्टम जो होता है इम्पॉर्टेंट वाइटल बायोलॉजिकल सिस्टम होता है इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जो कि जितने भी बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी में यानी कि जो हमारी बॉडी को नहीं ज़रूरत है जिनकी जिनकी नींद नहीं होती है मीन्स जो हम लोग फूड लेते हैं जो हम लोग आ, कुछ ड्रिंक करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस फूड में तो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होते हैं अब हो जाते हैं एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सक्रीटि सिस्टम के द्वारा एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी के बाहर हो जाते हैं रिमूव आउट हो जाते हैं सो so, फ्रेंड्स ऐसे भी सिस्टम जो होता है इस टाइप से वर्क करता है एंड ये हमारी बॉडी में हेमास्टाइसिस को मेनटेन रखता है थर्ड इज जो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म हो चुका है यानी कि जो हमारे फूड लिया है तो फूड का मेटाबॉलाइजेशन हो चुका है यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो चुके हैं तो उसके बाद जो कंपोनेंट्स बचते हैं हमारी बॉडी में यानी कि जिनको ज़रूरत नहीं होती है हमारी बॉडी में वो स्वेट एंड फिक्स के थ्रू भी हमारी uh, स्वेट फिक्स एंड यूरिन के uh, थ्रू हमारी बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट हो जाते हैं सो इस टाइप से एक्स टी टी सिस्टम वर्क करता है एंड नाउ वी आर इस कस अबाउट स्ट्रक्चर इस्ट्रक्चर दैट फॉर्म द यूररी सिस्टम स्ट्रक्चर जो कि यूररी सिस्टम जिससे बनता है तो so, यूररी सिस्टम में टू किडनीज़ होती हैं टू यूरेटर्स होते हैं वन यूरिनरी ब्लाडर होता है एंड वन यूरेथ्रा होता है इन चारों को मिला करके एक स्ट्रक्चर बनता है यूरिनरी सिस्टम का फ्रेंड्स ही कैन सी टू किडनीज टू यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है एंड वन यूरेथ्रा जिसके द्वारा यूरिन बाहर की ओर एक्सपेल आउट हो जाती है एक्सक्रीट हो जाती है सो so, फ्रेंड्स इन चार पार्टस को मिला के टू किडनीस टू यूरेटर्स वन यूर यूरिरी ब्लैडर एंड यूरोथ्रा को मिला करके यूरिनेरी सिस्टम का स्ट्रक्चर बनता है सो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं जो टू किडनीज होती हैं वो क्या करती हैं वो यू सिक्रीट uh, करती हैं यूरिन को जो किडनी होती हैं वो यूरिन को सिक्रीट करती हैं और किडनी प्रोड्यूस करती है, है यूरिन को जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है यानी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोज़ कंपोनेंट हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होते हैं यूरिया यूरिक एसिड एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सेस आइन्स होते हैं एंड कुछ ड्रग्स होते हैं हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत नहीं होती है तो उनके क्या करती है किडनी प्रोड्यूस कर देती है यूरिन के थ्रू में थ्रू प्रोड्यूस कर देती है एंड नेक्स्ट इस टू यूरेटर्स जो किडनी क्या करती है यूरिन को सिक्रिएट करती है एंड यूरेटर्स जो किडनी से जुड़े हुए होते हैं एंड यूरेटर्स क्या करते हैं यूरेटर्स यूरिन को कन्वे करते हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में एंड नेक्स्ट आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है टम्प्रेरी यानी कि थोड़े समय के लिए उस यूरिन को कलेक्ट करता है कलेक्ट करता है इकट्ठा करता है यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर यूरिन जो होती है वो ब्लैडर में स्टोर होती है एंड यूरिन के पास होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मैचुरेशन कहते हैं नेक्स्ट इस आ जाता है हमारे यूरेथ्रा सो यूरेथ्रा के यूरे के द्वारा होता है जो यूरिन कलेक्ट है यूरिनरी ब्लैडर में तो यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर आउट हो जाती है सिक्रीट हो जाती है एंड फ्रेंड्स तो यूरिनी ब्लाइडर होता है वाइटल रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइटल पार्ट होता है यूरनी सिस्टम हेमोस्टेसिस को मेंटेन रखने का एस टू ओ एंड इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी का सो so, फ्रेंड्स ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर डायग्राम सो टू किडनीज जो कि यूरिन को सिक्रीट करती हैं एंड टू यूरेटर्स जिसके द्वारा क्या होता है जिसके द्वारा किडनी से यू, यूरिनरी आती है यूरिन आती है एंड ब्लैडर uh, में जाके स्टोर होता है सो so, ब्लैडर क्या करता है ब्लैडर का काम है यूरिन को कलेक्ट करना टम्प्रेरी एंड नेक्स्ट इज यूरेथ्रा यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है यूरिन बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट हो जाती है सो so फ्रेंड्स इस टाइप से हम लोगों ने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ यूरी सिस्टम नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ एक्सिक्यूटि सिस्टम सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो एक्सक्रिटी सिस्टम होता है वो रिमूव करता है बेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी में जिनकी ज़रूरत नहीं होती है सो so, बेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है हमारी बॉडी से एंड नेक्स्ट इज जो हमारे बेस्ट प्रोडक्ट में इंक्लूडेड है जैसे कि नाइट्रोजन बेस्ड होता है फ़ूड का मेटाबोलेशन हो चुका है न्यूट्रिएंट्स अब्ज़ॉर्व हो चुके हैं एंड जो फ़ूड का वेस्ट होता है उसको बॉडी के बाहर निकालना एक्सपेल आउट करना इसमें क्या इंक्लूडेड होते हैं अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड ये हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होता तो इनको ही क्या करती है एक्सक्रीटी सिस्टम के माध्यम से एक्सपेल आउट हो जाता है आलथोड जो एक्सक्रीटी सिस्टम होता है वो डाइवर्स होता है मीन्स एक्सक्रीटी सिस्टम के अनेक और भी कार्य होते हैं नियरली द आल प्रोड्यूस यूरिन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सैबरेट स्टेप्स तो जो यूरिन प्रोसेस जो यूरिन प्रोड्यूस होता है इनके साबरे स्टेप्स होते हैं सो so, एक टाइप से जो एक्सक्रीटी सिस्टम होता है वो डाइवर्स होता है इनके अलग और डिफरेंट डिफरेंट अलग भी वर्क होते हैं सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपके लिए हेल्पफुल uh, रहा होगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग